गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक और नए दिन की शुरुआत। और आज खुशी इस बात की हो रही कि योगा वाले आ गए। जल्दी से कैमरा उस तरफ करके दिखाता हूँ। ये देखिए योगा वाले योगा कर रहे हैं, थोड़ा सा इंस्पिरेशन बन। बाकी जो घास ऐसे लग रही कि जैसे बिल्कुल गीली हो गई। यार आज आने का बिल्कुल मन नहीं था, ऐसा लग रहा था कि भाई घर में सो जाओ। 15 मिनट के लिए सो भी गए थे, लेकिन भाई चलते जनाब गाड़ी है। नमस्कार, कैसे हैं आप? कपड़े ऐसे रखे जाके डांट खाओगे आज। तो भाई साहब, ये जनाब थे कपड़े प्रेस करने वाले, मुझसे पूछ रहे थे कि कपड़े मिल गए थे क्या। इन्होंने क्या किया, कल मैं तो ऑफिस में था खैर, और आवी और संगी घर में नहीं थे, वो नीचे कहीं गए हुए थे, और अंधेरा होने वाला था। पूरी कपड़े की गठली प्रेस करके इन्होंने रख दी बिल्कुल हमारे गेट के पास। संगी और आवी जब पहुंचे अंधेरे में, क्योंकि जब वो गए थे दिन था, आए तो अंधेरा था, लाइट जल नहीं रही थी बाहर की, वो ऐसा लग रहा जैसे कोई बैठा हुआ है वहां पर। मैंने कहा भाई तुम लोग इतना क्यों डरते हो, कैमरा वगैरह चेक कर लेते तो ये ऊपर ही ना जाए, ये देखे कि डॉगी बैठा है या बिल्ली बैठी है या क्या बैठा हुआ है। तो तभी मैं कह रहा था कि जाओ आपको डांट पड़ेगी। मुझसे पूछ रहा था कि कपड़े मिल गए थे, मैंने कहा हाँ मिल गए थे, जाइए आपका स्वागत होगा, बड़ा डांट वांट पड़ेगी। ऐसी मजाक चल रहा था। फिलहाल मैंने एक चीज़ और नोटिस की है कि अगर पार्क में कोई आ जाता है ना, तो मोटिवेशन लेवल अपने आप बढ़ जाता है। जैसे कि कुछ लोग रेगुलर देखते हैं तो लगता है यार जाना चाहिए, डेली जाना चाहिए। आज तो 5-10 मिनट की एक्स्ट्रा नींद ले ली थी, मतलब चाय तो जरूरी है अपनी सुबह की, ठीक है, चाय वाय पी, उसके बाद फिर दोबारा सो गए 10 मिनट के लिए। यही सोचते रहे कि यार कैसे चले, क्योंकि बाहर का पॉल्यूशन लेवल भी थोड़ा हाई चल रहा है, तो वो भी डिसीजन था कि जाना चाहिए ऐसे मौसम में या नहीं जाना चाहिए। लेकिन हमने सोचा यार ऑफिस तो जा ही रहे हैं, बाहर के काम सारे हो रहे हैं, तो इस पे क्यों बहाना लगाना है 20-15-20 मिनट या आधा घंटे के लिए। लेकिन फिर पार्क में जाने के बाद मिल गए अपने सारे के सारे योगा ग्रुप वाले। आज तो मैंने योगा टीचर को बोल ही दिया कि सर रेगुलर आया करो, आपको देख के मोटिवेशन मिलता है और हमें भी आपको देख के मिलता है और आपको भी मिलता है योगा, कि चलो पार्क में कुछ लोग आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। तो आई थिंक मोटिवेशन अगर लेना चाहो तो किसी से भी ले सकते हो। तो कोशिश अपनी यही रहती है कि रेगुलर जाओ। मुझे पता है ठंड जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल चलते हैं ऑफिस, थोड़ा बहुत ज्ञान सुनेंगे, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो भाई साहब, इस नन्हे मुन्ने सेब का टाइम हो चुका है, खाते हैं सेब थोड़ा सा, ऑफिस से निकले हुए काफ़ी टाइम हो गया, चलते हैं घर। ये डेकोरेशन है भाई, चलो जी घर आ गए। तो ये लग रहा है सर्दी के लिए कुछ लड्डू वड्डू बनाने का इंतजाम है। ये क्या है ये संगी, किस चीज के लड्डू हैं? जी लड्डू नहीं है, ये मेरे पास जो भी अवेलेबल था ना, हाँ, थोड़ा सा अलसी डाल के और हल्दी को थोड़ा सा भून के, ओके, बाकी ना हल्दी अच्छी होती है अगर बॉडी में कहीं भी पेन है। सो हल्दी, अलसी और ड्राई फ्रूट्स जैसे अखरोट है, सो सबको क्रश कर दिया? नहीं, पहले अच्छे से भून लिया थोड़ा घी डाल के, और गोंद भी, गोंद होता है ना खाने वाला, हाँ। और फिर उसके बाद उसको मिक्सी में दरदरा चला दिया और गुड़ मिक्स कर दिया उसमें, गुड़ का पाउडर, हेल्दी है मतलब। अच्छा बनाया तुमने, खा के देखें? ज्यादा मीठा नहीं किया मैंने, देखते हैं मीठा है कि नहीं। ये तो सठौरा है, सठौरा टाइप भी लग रहा है, क्योंकि इसमें हल्दी डाल दी ना मैंने, तो वैसे ही लग रहा है मेरे को, पसंद है। और वो भी है पिस्ता। तो खाना थोड़ा थोड़ा तुम्हारे सही है। नहीं सठौरा